सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। बाइबल में परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे वायदे किए हैं जो परमेश्वर ने हमेशा पूरा किया है, और परमेश्वर आज भी अपने कहे हुए बाइबल में लिखे हुए एक एक वायदे को पूरा करता है। उसी तरह आज हम बाइबल से कुछ खास तीन वचनों के बारे में हम लोग देखेंगे जो परमेश्वर हमसे वायदा करता है। मत्ती 7 अध्याय उसके 7वीं आयत में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वायदा सदा के लिए पूरा होता है। परमेश्वर ने जो कुछ भी वायदा किया है, उन्होंने अपना वादा सदा के लिए पूरा किया है। और यहाँ पर हम जो परमेश्वर के तीन वादों के बारे में देखते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज हम मानते नहीं हैं इसलिए मिलता नहीं है, ढूंढते नहीं हैं इसलिए पाते नहीं हैं, खटखटाते ही नहीं हैं, कैसे खुलेगा। 8वीं आयत में हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। कई बार हम परमेश्वर के ऊपर संदेह करने लगते हैं, हम ये सोचने लगते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहा है, परमेश्वर से हम मांग रहे हैं और परमेश्वर हमें क्यों नहीं दे रहा है, परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने हम घुटने टेक रहे हैं, फिर भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहा है। मेरे प्रियो, एक उदाहरण मैं आप सबसे बताना चाहता हूं। यदि कोई छोटा सा बच्चा हो आपके घर में, कोई छोटा सा बच्चा हो, 7 साल का हो, 8 साल का हो, और वह आपसे एक बड़ा फोन मांगे कि मुझे बड़ा फोन दे दो, मैं उसमें मूवी देखूंगा, जो भी करना है मैं उस मोबाइल में करूंगा, मुझे पर्सनली एक मोबाइल खरीद कर दे दो, मैं तो यही कहूंगा कि अगर कोई समझदार माता पिता हैं तो अपने उस छोटे बच्चे को मोबाइल नहीं देंगे, क्योंकि वो समय शायद उस बच्चे को मोबाइल देने का नहीं है, बल्कि वो समय उस बच्चे के हाथ में एक किताब देने का है, एक कॉपी देने का है, ताकि वो अच्छी चीजें सीखे। मोबाइल से भी अच्छी चीजें सीख सकता है, लेकिन उससे गलत चीजें भी सीख सकता है, इसलिए शायद उस बच्चे को अभी वो समय नहीं है कि उसे मोबाइल दिया जाए। और यदि समझदार माता पिता हैं तो सच में उसे अभी फोन नहीं देंगे। उसी तरह जब हम परमेश्वर से कई बार कुछ चीजें हम मांगते हैं तो वो चीजें हमें नहीं मिलती। हो सकता है कि वो चीजें जो हम परमेश्वर से मांग रहे हैं वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो, जिसके कारण परमेश्वर वो चीजें हमें नहीं देता है। आज मैं तीन बातें, जो तीन वायदे परमेश्वर के हैं, उसी तरह हम तीन बातें भी आप सबसे शेयर करूंगा। पहला, जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता नहीं है। दूसरी बात, जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर हमें तुरंत देता है। और तीसरी बात, जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत देर से देता है। पहला उदाहरण जो मैंने बताया कि परमेश्वर यदि नहीं देता है, हो सकता है हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कुछ मांग रहे हैं, जिसके कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है और वो चीजें हमें नहीं दे रहा है। दूसरी बातें, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को तुरंत सुनते हैं, और जो चीजें हम परमेश्वर से मांगते हैं वो चीजें हमें मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे विश्वास के जरिए हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर है और तू इस पहाड़ से कहे कि उखड़ कर समुद्र में पड़ जा तो तेरे लिए हो जाएगा। यदि हम उस विश्वास से परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उस विश्वास के जरिए हमें उसका प्रतिफल देता है। और तीसरी बात, परमेश्वर जब हमें देर से देता है तो उसका एक रीजन है, वो है परमेश्वर का नियुक्त किया गया समय। सारा और अब्राहम के बारे में हम सभी जानते हैं कि जब हम अब्राहम के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब अब्राहम 100 वर्ष का हुआ और उसकी पत्नी सारे जब 90 वर्ष की हुई, तब जाके उनको संतान की प्राप्ति हुई।
हम ये बातें यहाँ पर कह सकते हैं, ये प्रश्न यहाँ पर हम पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं उनके एक होने से, जब वे लगभग हो सकता है कि जब वे एक हुए होंगे 30वें साल में 40वें साल में 50वें साल में उनको बच्चा पैदा हो सकता था, उनको संतान की प्राप्ति हो सकती थी, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का एक नियुक्त किया गया समय था। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब तक अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चलकर सिद्ध नहीं हुआ, तब तक परमेश्वर ने उसको संतान नहीं दिया, तब तक अब्राहम को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और जब 100वें वर्ष में अब्राहम, शायद जब वो परमेश्वर के वचन में सिद्ध हुआ, तब जाकर के उसको संतान की प्राप्ति हुई। तो इस वचन से मैं ये बताना चाहता हूं, जो तीसरी बात है, परमेश्वर यदि देर से देता है तो परमेश्वर का शायद उसमें एक नियुक्त किया गया समय है। और सच में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यदि हम परमेश्वर के नियुक्त समय का इंतजार करते हैं तो परमेश्वर हमें बेहतर से भी बेहतरीन देता है। इसलिए परमेश्वर का जो वचन है ये हमें अपने हृदय में रखना चाहिए कि परमेश्वर अपने वचन से कभी मुकरता नहीं है, परमेश्वर अपने वायदों से कभी मुकरता नहीं है, परमेश्वर मनुष्य के जैसा नहीं है, वो परमेश्वर अपने वादे को सदा के लिए पूरा करता है। हम मनुष्य होकर के अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं तो वो हमारा स्वर्गीय पिता हमारा कितना ख्याल रखता है। आगे आयत में हम देखेंगे, 9वीं आयत में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हम सभी जानते हैं मनुष्य होने के कारण, मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन से कई बार गलतियां हो जाती है, कई बार हमसे पाप हो जाते हैं, हम गलतियां करते रहते हैं। इसलिए हम कभी ये नहीं कह सकते हैं कि हम 100% पवित्र हैं। इसलिए वचन बताती है कि जब तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों ना देगा। कोई भी माता पिता यदि किसी का बच्चा हो और अपने माता पिता से वह रोटी मांगे तो क्या वह उसे पत्थर देगा, वह उसे रोटी ही देगा। कोई भी माता पिता से यदि उसका बच्चा उससे मछली मांगे तो क्या वह उसे सांप देगा, नहीं, वह उसे मछली ही देगा। क्योंकि एक माता पिता जिन्होंने जन्म दिया वो अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं कि जो कुछ उसका बच्चा उसे मांगता है यदि उनके पास है तो उन्हें अवश्य देगा। तो सोचिए जिस परमेश्वर ने हम सबको बनाया है वो हमें वो वस्तुएं क्यों ना देगा जब हम उनसे कुछ मांगेंगे। मेरे प्रियो, आज मैं इस वचन से आप सबसे केवल यही सिखाना चाहता हूं, केवल यही तीन बातें बताना चाहता हूं। पहली बात, परमेश्वर अपने समय से हर एक चीजें हमें देता है। दूसरी बात, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जैसा हमारा विश्वास होता है वैसा हमें प्रतिफल मिलता है। और तीसरी बात, जो परमेश्वर से हम कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर हमें इसलिए नहीं देता है, शायद हो सकता है वो चीजें हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध मांग रहे हैं। इसलिए हमें परमेश्वर से कुछ भी मांगने से पहले, परमेश्वर के सामने आने से पहले, परमेश्वर के सामने मुंह खोलने से पहले हमें अपने आप को जांचना चाहिए कि क्या जो चीजें मैं परमेश्वर से मांग रहा हूं, जो चीजें मैं परमेश्वर से मांग रही हूं, क्या वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध तो नहीं है। और अपने आप को जांचना चाहिए कि क्या आपका विश्वास दृढ़ है। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के नियुक्त समय का इंतजार करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ चीजें मांगते हैं तो परमेश्वर अपने इन तीनों वायदे को आपके जीवन में जरूर पूरा करेगा। इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को जय मसीह की।